₹10 का चाय पीने जा, ₹100 का पेट्रोल जला। रास्ते में हो रही थी शादी, हमने अपना मन बटोरने के लिए कर लिया हमने थोड़ा सा डांस देख लिया। हाँ, और घूमते फिरते पहुंच गए हम पेस्ट्री वाले के दुकान पे, लेकिन यहाँ क्या पता था हमें कि इतना ज्यादा महंगा होगा, तो हमने ले लिया सस्ता वाला खा रहे। मॉल में ये क्या था, ये लॉलीपॉप है या लॉलीपॉप है, क्योंकि हमें कपड़ा तो लेना था नहीं। अगर मॉल वाले ने हमें गलती से भी देख लिया होता कि हम ये कर रहे हैं तो हमारी बहुत अच्छे से पिटाई हो जाती। और फिर क्या था, हम मॉल से निकलते हमने कर लिया अजेदार वाला डांस। बाहर निकलते ऐसे पापी चाट पहले हमने जैसे फ्री में हो, क्योंकि पैसा तो दोस्त का लगा था हमारा कुछ जाता है। और सुंदर सुंदर लड़कियां आपको शाम को देखने के लिए मिल जाएगी। नजर आई चार लड़कियां जो गौर से देख रही है, चार चार गर्लफ्रेंड हमको देखे जा रही है वहां से। और भैया पुलिस से थोड़ा सा बच के जा रहे हैं हम लोग। और यही वही मां से हैं जिनको हमने बाइक से उतारा था पुलिस के डर से। कटिहार जंक्शन का मेन रोड जहां पे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और फिर सुनो मैंने क्या कहा, गाड़ी जस्टिस मिलेगा, लड़की जहां दिखेगी वहां जस्टिस मिलेगा, खाली बस तुम ठोकना मत, अपनी गलती मत लेना। दिसंबर का महीना था और हमें लग रही थी ठंड बहुत जोरों से, तो हम पहुंच गए चाय सुट्टा बार। ₹100 का गाड़ी में तेल डला के आए हैं, चाय सुट्टा बार में चाय पीने। तो आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पैकेट में पैसा का होना बहुत ही ज्यादा। आज मूवी देखने आया ऐसे सुनसान जगह पे, ऐसा लग रहा था ये कोई यो। और ये क्या, मूवी देखने वाला मैं कोई अकेला नहीं था, यहाँ तो नए नए कपल्स के जोड़े भी आ रहे। फिर क्या था, गार्ड वाले भैया ने हमें ऐसे रोका जैसे मैंने इनकी बेटी को छेड़ दिया हो। मूड खराब होने के बाद हमने मस्ती मस्ती में थोड़ा सा डांस भी कर लिया। और दौड़ते दौड़ते हम पहुंच गए लिफ्ट वाली दीदी के पास, जहाँ हमें लिफ्ट वाली दीदी ऐसे देख रही थी जैसे मानो मैंने इनकी बेटी का हाथ मांग लिया। आते वक्त ये जनाब हमको ऐसे घूर रहे थे जैसे मानो हम कोई पागल। आपको ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद अंग्रेजी सबका अच्छे से प्रयोग करना कोई तो हॉल वाले से सीखे। गाँव में हम भुट्टा बोलते हैं, ये यहाँ पॉपकॉर्न बना के बेच रहे हैं। हमारे गाँव में भुट्टा बोलते हैं। जीती तो तब अच्छे से भी जब हमारे पास टिकट रहते हुए एक दीदी ने हमें फिर से रोक लिया। फिर से मुट्ठी करने के लिए हमने एक बार डांस कर लिया। डांस को देखे कुछ लड़के इंप्रेस भी होगी। और फिर हॉल तो बना ही होता है चुम्बन चाटी के लिए। पीछे कोने में एक जोड़ा कपल बैठ के चुम्बन चाटी कर रहे थे वहाँ पे। और ब्रेक टाइम होते ही मैं एक लड़की के पीछे पीछे आ गया इस आशय में कि ये लड़की मुझसे पड़ जाएगी। गलती से मैंने समोसा का रेट पूछ लिया, तो देखो इस दीदी ने मुझसे क्या कहा। पीछे से मुंह छुपा के आने वाला ये लौंडा वही था जो घर में बोल के पापा को आया था मैं कॉलेज जा रहा हूँ। और आखिरकार वो घर ही आ ही गई जहाँ मुझे इस लड़की ने देख के स्माइल कर दी। फाइनली मूवी तैयार तो हम ऐसे हो रहे थे जैसे मानो आज हमें कोई लड़की मिल ही जाएगी। और फिर रात के अंधेरे में निकल गए हम अपने दोस्तों के साथ जिसमें बाइक चला रहे थे हमारे दोस्त। तो गेट पे पहुंचते ही हम सबसे पहले मुआयना करते हैं कोई हमें देख तो नहीं रहा है, क्योंकि सावधानी हटनी दुर्घटना घटी। शादी में आ गए हैं गाइस। हम भी पीछे हटने वालों में से कहां थे, कैमरा ऑन किया और घुस गए। बहुत भीड़ है गाइस। फ्री का भोज खाने पहुंचे तो लोग ऐसे धक्का मारते हैं जैसे मानो कोई हमारी इज्जत ही नहीं। और अपनी बारी का इंतजार करते करते हम थक चुके थे क्योंकि ये भाई साहब तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। सीट पे बैठते हैं सबसे पहले आगे ये सलाद वाले भाई, सलाद खा रहे हैं गाइस। फिर आया चिकन चावल और ऐसा रेले हम की क्या ही बताएं। खड़ा और हमारे सामने वाले तो ऐसे पेल रहे थे चिकन चावल जैसे मानो 10 दिन का भूखा हुआ राक्षस। और अभी तो खाया हुआ भी नहीं था और इस मासे को हमारी सीट चाहिए थी। फिर क्या था, पहली फुर्सत में पतली गली पकड़ के निकल गए, आगे निकल गए हैं। निकलते ही दोस्तों के साथ मस्ती करने लगे ताकि घर वाले को ये शक ना हो कि हम बिन बुलाए बाराती हैं। निकलते ही नजर पड़ी इन दूल्हे राजाओं पर जो कि अपना झाटू से शक्ल लेकर फोटो शूट करवा रहे। और अब तो हमारे दिल का भी दूल्हे राजा जाग गया था और हम चले गए सीधे स्टेज। और फिर जब शादी में इतनी खूबसूरत लड़का दिखने को मिल जाए तो दिल तो ऐसे ही गार्डन गार्डन हो जाता है। सुबह सुबह कंबल में से उठना उतना ही मुश्किल काम है जितना कि बीपीएससी का एग्जाम पास करना। और आज के दिन की शुरुआत होती है गर्म गर्म चाय। और जब आपने जीवन में बहुत ज्यादा पाप कर लिया हो तो पुण्य काम करने का एक ही रास्ता होता है, वो होता है गंगा। फिर क्या था, रास्ते में हमें मिल गया रेलवे फाटक और हमारे बुरे दिन की शुरुआत यहीं से स्टार्ट हो। और अपने आप को बचते बचाते हुए भगवान का नाम लेते हुए हम पहुंच गए कटिहार जंक्शन। पहुंच गए हैं गाइस कटिहार जंक्शन। टिकट तो मिला नहीं गाइस, बिना टिकट के जा रहे हैं अब ट्रेन में। और न जाने ये मोहतरमा किनसे बतिया रही थी फोन पर। इतना सब मूड खराब होने के बाद हमने फिर से एक बार डांस कर लिया। मस्ती आ रहा है। फिर क्या था, मस्ती मस्ती के चक्कर में गलती से दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले गए थे। गलती से दूसरा नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। फिर हम ऐसे भागे जैसे मानो दुल्हन भाग गई हो हमारी मंडप से। न जाने किस मनुष्य घड़ी में घर से निकले थे, हमारी ट्रेन भी छूट गई। ट्रेन छूट गया गाइस, ट्रेन। और फिर हमारी आंखों के सामने हमारी दुल्हन हमें छोड़ के जा रही थी और हम कुछ कर भी नहीं सके। फिर हम युगांडा के जंगल से होते हुए ट्रेन के नीचे से होते हुए ट्रक के साइड से होते हुए पहुंच गए डांस करने। मचाले धूम, मचाले धूम, धूम, धूम। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए इंसान को हर हमेशा अपने वक्त पे पहुंचना चाहिए। ट्रेन आने का इंतजार करें, अब सीधे कटिहार जाना है। पिछले बार टिकट कटा के ट्रेन ही छूट गया था, इस बार टिकट ही नहीं कटाना है। भूख से हमारे पेट में चूहा तो ऐसे कूद रहे थे मानो जैसे इनकी चूहिया मिल गई हो हमारे पेट में। और जिंदगी में पहली बार हम नाश्ता तौल करके खा रहे थे। क्या आपने भी कभी ऐसा नाश्ता खाया है तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। फिर क्या था, सुपरस्टार हीरो की तरह हम ट्रेन के सामने आके खड़े हो गए इस आशय में कि ट्रेन वाले चाचा हमारे ससुर निकलेंगे। भागा दौरी हो रहा है चालू सीट पर बैठने के लिए। फिर हम कहां पीछे हटने वालों में से थे, हम भी तीन चार गो को अंदर पेल के सीधे घुस गए अंदर। सीट पर बैठते ही हम अगल बगल मुआयना करने लगे इस बात का कहीं हमारे बगल में कोई सुंदर सी कन्या तो नहीं बैठी है, क्योंकि अनजान ट्रेन में अनजान लड़की को लाइन मारने का जो मजा है वो सिर्फ हम ही जानते हैं। और अगर आप बिहार से हैं तो ये चीज तो आपको हर एक ट्रेन में देखने के लिए मिल ही जाएगी। सीट मिल चुका है लेकिन हमको गेट पे रहकर ट्रेवल करना अच्छा लगता है, तो हम गेट पर से आपको दिखाने वाले हैं पूरा व्यू। और न जाने इन भाई साहब को कौन सी गर्मी चढ़ रही थी, ट्रेन के गेट पे खड़े तो ऐसे थे जैसे मानो इनके बाप का ट्रेन हो। बुरा तो तब लगता है जब इतनी सुंदर सी लड़कियां अपने रिश्तेदार को ट्रेन में छोड़ने के लिए आपको देख रही। मेरे मन में कुछ आया तो मैंने वो भी कह दिया, चलो जा रहे हैं, बाय 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 बाय। आगे की जर्नी आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। सामने वाली खिड़की से कोई थूक फेंके और वो आपके मुंह पे पड़े तो बहुत दुख होता है। फिर इस दुख को छुपाने के लिए हम करने लग जाते हैं थोड़ी सी मस्ती। फिर
को दिखे ये महाशय जो एक ही फोन में एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे मानो एक दूसरे के लिए एक लैला और मजनू हो। और अगर आप बिहार से है गुरु तो ये सब तो झेलनी पड़ेगी। देखिए आप ही क्या क्या ट्रेन में लोड हो रही थी। ट्रेन है कि मालगाड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। कुछ लड़कियों को देखते ही हमारे अंदर जोश पैदा हो गया और हम लटकने लग गए ट्रेन से, लेकिन हमें कहां पता था कि हमारी तो शकल ही खराब। ना जाने ऐसी कौन सी आफत आ रही थी ट्रेन ड्राइवर के सामने जो ट्रेन घसकाने का नाम ही नहीं। गरी में ये होता है, पहले ट्रेन छूटा और अब ट्रेन रुक गया। हमारी तरह ये लोग भी ट्रेन का खुलने का इंतजार करते करते थक चुके थे और सब गाड़ी से नीचे उतर करके यही सोच रहे थे कि इस ट्रेन ड्राइवर के साथ आखिर क्या किया जाए। और भी बुरा तो तब होता है जब प्लेटफॉर्म पे गाड़ी घुसते ही सीधे जाके अंतिम में रुके। लौट के बुद्धू घर को आए, वापस हम कटिहार आ गए। स्टेशन से बाहर निकलते ही दिखी एक चमचमाती हुई थार जो कि एक दुल्हन की तरह लग रही थी। फाइनली कटिहार पहुंच गए गाइस विदाउट टिकट। और शादियों के सीजन में अगर आपको भोजपुरिया गानों पर डांस देखने को मिल जाए तो क्या ही मजा है।